प्लीज नैतिक ऐसे डराइए मत, मुझे तो पहले ही बहुत घबराहट हो रही है। मैं खुद भी डरा हुआ। क्यों, आप क्यों डरे हुए? आप तो इतना अच्छा डांस कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो मेरी है, मैं ही अटक जाती हूँ बीच बीच में। तभी तो कह रहा हूँ अक्षरा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए ना। पर अभी नहीं कर सकते नैतिक, खाना बनाना है, नाश्ता करना है, सब। अक्षरा गिरजा है, महाराज जी है, सुधा है, वो लोग कर लेंगे, हम लोग थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। हाँ वैसे सुधा गिरजा तो कर लेती है, अब तो लड़ती भी नहीं है दोनों। क्यों, कौन लड़ता है? भाई दोनों काम को लेकर बहुत। एक मिनट, नीरज का फोन है। हाँ नीरज बोलो। अभी? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में भेजता हूँ। हाँ बाय। एक अर्जेंट कोटेशन चाहिए उसे, अभी देख कर आता हूँ। आप कह रही थी ना आपको कुछ अर्जेंट काम है, आप वो खत्म कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। सर यहाँ रख दो, मैं आपको और डिजाइन दिखाता हूँ। ये देखिए मैम, हाँ बोलो। ऐसे एक एक करके क्या पूछ रहे हो, जो भी पूछना है एक साथ पूछो ना, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। हाँ सुबह से दोपहर हो गई, कभी एक काम कभी दूसरा, पता नहीं प्रैक्टिस कब करूंगा। नैतिक हो गया काम आपका? हाँ बस अभी थोड़ा सा बाकी है। आपका? बस मेरा भी किचन का थोड़ा सा ही काम बाकी है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट, उसके बाद प्रैक्टिस। आपको पता है मम्मा, अभी रिया का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसके मम्मा पापा ने पूरा कॉस्ट्यूम पहन के डांस किया, वो लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे। आप लोग प्रैक्टिस कब करोगे? देखो मैं पापा का शूज भी लाया हूँ। हाँ नक्श, बस 15 मिनट में हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके मम्मा, आपको सालसा वाली ड्रेस पहन के डांस करना, आप बहुत सुंदर लगोगी, रिया की मम्मा से भी ज्यादा अच्छी। नक्श मैं कब से आपकी मम्मा से कह रहा हूँ, लेकिन वो बात सुन नहीं रही। अक्षरा जब दो सयाने लोग आपसे एक ही बात करें तो मान जाइए ना। हाँ मम्मा प्लीज, आप दोनों अपना सब कुछ काम छोड़ के अपना ड्रेस पहन के मुझे डांस सिखाओ। ओके डन। नैतिक पर अभी तो। अक्षरा लक्ष्य बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें एक बार उस ड्रेस में रिहर्सल तो कर लेनी चाहिए जिसमें हमें कल परफॉर्म करना है। लल्ला तो बच्चा है, लेकिन मुन्ना क्यों जिद कर रहा है कि बहू इतनी छोटी सी फ्रॉक पहने, और बहू उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो सब लोग बातें बनाएंगे। क्या हो गया है इन सबको? तुगु नैतिक एक बात तय है कि मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी, बात खत्म। मम्मा प्लीज आप ऐसा मत करो ना प्लीज, आपको कंपटीशन जीतना है ना, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, रिया भी। तुगु आप जाके अपने कल की तैयारी करो, जाओ। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। प्लीज नाराज कर देना आपने बच्चे को। क्या करूं नैतिक, मुझे ऑलरेडी इतनी टेंशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे? क्या पहनूंगी मैं, पैर फूल रहे हैं मेरे। मैं जरा जूता ट्राई कर लेता हूं। अरे ये क्या हुआ, ये जूता छोटा है। क्यों, आपने देख के नहीं लिए थे? नहीं अक्षरा, उस वक्त उसके पास कलर नहीं था, तो मैंने उससे कहा था कि बस साइज ले लो, अब उसने जूता भिजवाया, लेकिन ये तो छोटा है ना। अरे हाँ, अब कल बदलूंगा और क्या। लेकिन नैतिक कल तो ये दुकान बंद होती है ना। अरे हाँ तो अब क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा। मतलब आज आज भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी? अब क्या करें, ये भी तो जरूरी है ना। हाँ और इसे बदले बिना तो हम प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते। ठीक है अक्षरा मैं निकलता हूँ। हाँ आप जल्दी से आ जाइए, फिर आके प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बाय। टुकु और माँ के बीच में क्या बात हो गई है, ऐसा भी क्या झगड़ा हुआ कि दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। जल्दी जल्दी काम खत्म करके आता हूँ ताकि प्रैक्टिस शुरू कर सकूं। देखा मैंने कहा था ना, मेरे मामा पापा ही जीतेंगे, वो सुपर बॉय के सुपर पेरेंट्स हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। याद है ना बॉल मैच में मेरे पापा ही जीते थे, उनकी तबीयत खराब थी बस फिर भी वो खेले और वो जीत गए। प्रैक्टिस के फर्स्ट दिन ही मम्मा के पैर में चोट लग गया और उन्होंने डांस सीखा क्योंकि उनका डांस कॉम्पिटिशन जीतना था इसलिए, और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना मजा आया था ना दीदी। हाँ ये
मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे जब उसने साइन करने को कहा तो। आगे क्या हुआ? बहुत खुश लग रही हैं आप लोग। हाँ, खूब सारी खरीदारी की हमने, वो भी अपने कार्ड से। लाइए दिखाइए ना क्या क्या लेकर आई हैं। कैसी लगी हमारी खरीदारी? बड़ी बहू, तुम दोनों गई तो बड़े शौक से, और लाई क्या? ये प्लास्टिक के डिब्बे, ये पायदान। मैंने तो तुम दोनों से कहा था कि अपने लिए खरीदारी करना जो हमेशा याद रहे। याद रहेगी ना माँ, ये डिब्बे 10-15 साल तो चलेंगे ही, और ये पायदान भी, ये भी 5-6 साल तो चलेगा, तो इतने साल याद रहेगी ना ये खरीदारी। मम्मा कितनी क्यूट लगेगी ना ड्रेस में। क्या फुसफुस आ रहा है तू? जो बोलना है ना साफ साफ बोल, और वैसे मैंने सुन लिया, जो मैं कह रही हूँ तू वो सुन। तेरी मम्मा तभी क्यूट लगेगी ना जब मैं ड्रेस पहनने दूंगी। नहीं, वो आपकी बात नहीं मानेगी, मेरी बात ही मानेगी, क्योंकि वो मेरी मम्मा है ना, इसलिए। तेरी मम्मा मेरी बहू है, देखते हैं क्या होगा। जेके हो रहा है। जेके तरीका आपस में बात करने का? लल्ला ऐसे बात कर रहे हैं कि पढ़ो से, और छोटे दूल्हे तू भी इसके साथ मिलके बच्ची बन गई, जो इसकी बराबरी करे अध हो गई। सॉरी जगदा जी। दोबारा मत कर लो, जाओ। कपिल जी प्लीज मेरे कैबिन में आना, और न्यूज़पेपर भी लेके आना, मुझे देखना है कि हम कोई कॉलम बना सकते हैं या नहीं। जी लीजिए। क्या है जिसमें? दलिया। मुन्ना और बहू की तैयारी हो गई? जी कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों में जितनी भी तैयारी हो उतनी कम ही है। बेचारे मुन्ना को तो समय ही नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है अपनी संस्कृति को ध्यान रखे हैं। हे भगवान सुधा, 3 दिन पहले बोला था गेहूं पिसवाने को, लेकिन अब तक नहीं करवाया। अब हम दोपहर को खाएंगे क्या? ये काम गिरजा का था, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में घर में मुट्ठी भर आटा नहीं है, कहाँ है गिरजा? वो तो पता नहीं, कागज की कुछ पर्ची लेकर अखबार में कुछ ढूंढ रही है। जो भी कर रही है उसे बुला कर लाओ, और दोनों तुरंत जाकर आटा पिसवा कर लाओ। अभी? मुझे तो अभी वो सब मैं नहीं जानती, काम सब बाद में होते रहेंगे। अभी के अभी दोनों जाकर आटा पिसवा कर लाओ। क्या हुआ छोटे दुल्हन, गेहूं क्यों नहीं पिसवाए? क्योंकि वो गिरिजा का काम था। बताइए भाभी, दोनों का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। प्यार से बात कर ली, बहू ने दोनों की जिम्मेदारियां बांट दी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इनसे सख्ती से ही पेश आना होगा अगर घर का कुछ भी काम करवाना है। हाँ, पर आटे का क्या होगा अब? क्या करेंगे भाभी माँ, बाजरे की रोटी बना ली। हाँ, दादाजी ने दलिया खा लिया? उन्होंने खा लिया। लल्ला की प्रतियोगिता के बारे में पूछ रहे थे, और मुन्ना बहू के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने लल्ला को जरूर समझाया होगा कि नई चीजें जरूर सीखे, लेकिन अपनी संस्कृति ना भूले। मैं क्या कहूँ भाभी माँ, मुन्ना और बहू तो अपनी संस्कृति भूल गए हैं, लल्ला को क्या सिखाएंगे? अब बहू उस तरह की पोशाक पहनेगी तो आप सोचिए दद्दा जी क्या सोचेंगे। सिर्फ गिरिजा और सुधा ही नहीं, इस घर में हर कोई मनमानी करने लगा है। खैर छोड़िए, मैं भंडार घर से बाजरे का आटा ले आती हूँ। हाँ हाँ अक्षरा, बस निकल रहा हूँ, चेंज हो गया है, फिर आके प्रैक्टिस भी तो करनी है। हाँ हाँ ओके बाय। हे भगवान, कितनी बार फोन कर रहे हैं ये,
हेलो जी, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको बाद में फोन करूँ। ओके थैंक यू, बाय। हाय नैतिक। हाय, बहुत दिनों बाद, क्या चल रहा है? बस वही बताया था ना, एक नया लॉन्च। ओ हाँ याद है मुझे, कैसा था रिस्पॉन्स? अभी थोड़ा मिक्स है, बट टेस्टिंग चल रही है, तो भी चख के बता। अरे नहीं नहीं यार, मैं ये सब नहीं पीता। अरे एक दो बार पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चेक करके तो देख। नहीं यार वो दोस्ती के लिए नैतिक। तू रुक, मैं लेकर आता हूँ, कार में रखा है। वैसे एक गारंटी है मेरी, कितना भी स्ट्रेस हो, भाग दौड़ हो, दो घूंट में सब दूर। रुक मैं लेकर आता हूँ। नहीं अनन्या दीदी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? तूने तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। अनक्ष, मैंने तो तेरा सॉन्ग सुना भी है, तू टेंशन मत ले। हाँ मेरे सर ने भी यही बोला था, टेंशन मत लेना, पर मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं गाना भूल गया तो। अमेना, हम तुझे याद दिला देंगे। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई? नहीं अभी बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है। अभी तो मैं मम्मा के साथ ऑफिस आई हूँ, मैं घर जाकर प्रैक्टिस करूँगी। और मेरी मम्मा बाहर गई है, जब आएंगे तब मेरी प्रैक्टिस होगी। ये मम्मा पापा लोग भी ना हमारे कंपटीशन को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? वो लोग बहुत बिजी है ना। अनन्या दीदी मुझे फिर से टेंशन हो रही है। अब तो मुझे भी हो रहा है चिपकू। नहीं नीरज, आज नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत काम, कल सुबह देखते हैं। ओके बाय। अरे लल्ला तो जिद करके जरूर पिएगा, तो प्रतियोगिता में गाएगा कैसे? ये मुन्ना क्या ले आया, और लाया है तो कमरे में क्यों लेके जा रहा है? ये क्या छुपा रहा है मुन्ना? ये विषाद ना, ये भगवान, पहले तो कमर और गर्दन ही दुखते थे, अब आंखें भी थकने लगे। दादी ये लीजिए, अब से आप सब कुछ इसी पे सुनाई कीजिए। इस पे? अब आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कुछ चीजें इस पे भी सुन सकती हैं। अच्छा, इस पे गीता का पाठ है और रामायण का भी? दादी इसमें सब कुछ है, गीता रामायण भजन आरती, यहाँ तक कि आपको अगर किसी प्रसिद्ध मंदिर की आरती देखनी हो ना तो आप वो भी देख सकती हैं इस पे। अच्छा कमाल है, मैं तो समझती थी इस पे सिर्फ गाने ही सुन सकते हैं, या फिर दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी हो तो आमने सामने बात कर सकते हैं। आपको पता नहीं है दादी कितनी कमाल की चीज है और क्या क्या कर सकता है। ये अरे वाह, ये तो सुंदरकांड का पाठ है, और वो भी इतनी मधुर वाणी में। दादाजी अब क्या बहुत देर से खेल रहे होंगे ना, अब मेरी टर्न है। अरे ना लल्ला, तू जा जाके अभ्यास कर। नहीं दादाजी, ये प्रैक्टिस हो गई। अच्छा हो भी गई, ठहर थोड़ी देर के लिए, पहले मारे को खेल लेने, तो उसके बाद तू खेलना। अच्छा दादाजी एक बात बताओ। ये बात? आपको सच्ची सच्ची में मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? ये बात ना है बेटा, तू जो भी कुछ करे है ना वो मारे को अच्छा लगता है, पर सच्ची में मारे को समझ में नहीं आया। थारे को तो पता है ना बेटा, जो चीज समझ में ना आवे उसका मजा भी कैसे आवेगा, है ना? लल्ला के चक्कर में बहू से बात करना ही रह गया, अभी के अभी बहू को कह देती हूँ कि कल के लिए दूसरी पोशाक तैयार कर ले, वरना कल तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे बहू को ये बात खुद ही सोचनी चाहिए थी, लेकिन क्या पता शायद उसका मन ही हो ऐसे कपड़े पहनने का। हाँ तो क्या सारी गलती मेरी है नैतिक, आप भी तो बिजी थे ना। अच्छा लेकिन मैं फ्री हो गया था। और वो जो जूते लेने गए थे वो? अच्छा वो तो मजबूरी थी, आपने तो कहा कि जाके बदलवा लीजिए, अगर बाद में नहीं मिले तो। हाँ तो उसमें गलत क्या कहा था मैंने? अरे लेकिन मैंने क्या गलत कहा, यही तो कह रहा हूँ,
कि हमने प्रैक्टिस नहीं की और क्या। हाँ तो इसमें आपकी भी उतनी ही गलती है, सारा दोष मुझ पर मत डालिए। अरे मजा आ गया, बिल्कुल सही कह रहा था, बस दो घूट और सारा स्ट्रेस, सारी थकान सब गायब। बाबूजी से फाइल ले आता हूं। ठीक है आज का तो सारा मैनेज हो गया, सिर्फ मुझे कल की टेंशन हो रही है। हाँ आप टाइम से आ जाएगा ना प्लीज। ओके ठीक है, बाय बाय। ले हम आ गए, वो भी टाइम से पहले। जल्दी से बता क्या करना है, हम कर लेंगे। हाँ बेटा, हम सब मिलके सारा काम जल्दी से खत्म कर देंगे। क्या हुआ, कपड़ों वाली बात पे बात हुई क्या बहू से? नहीं भाभी माँ, वो वाली बात तो हो ही नहीं पाई। हाँ जो मैंने देखा तो मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं क्या करूं? क्या देखा तूने? अरे कुछ बोल ना। देख मुझे बहुत चिंता हो रही है, छोटी दुल्हन क्या देखा तूने? भाभी माँ मुन्ना पीने लगा है। मतलब क्या पीने लगा है? शराब। ठीक है ना तुम्हारा छोटा दुल्हन, क्या बोल रही हो तुम? भाभी माँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं इतनी बड़ी बात ऐसी थोड़ी ना बोल दूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुन्ना पी रहा था ऊपर कमरे में। पता नहीं भाभी माँ क्या हो गया, बहुत खिजा हुआ था, बहू से भी जोर जोर से बोल रहा था। मैं गई थी बहू से कपड़ों वाली बात करने, लेकिन मैंने ये सब सुन लिया और मैंने अभी अभी बहू को तली हुई मूंगफली ऊपर ले जाते हुए देखा है। मुन्ना नहीं मंगाई होंगी भाभी माँ। हे भगवान, ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुन्ना ऐसा करेगा। पर छोटी दुल्हन, तूने जब देखा तो उसी समय उसे क्यों नहीं रोका? मैं क्या करती, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, हाथ पैर तो भूल गए थे। भगवान जी, कल कंपटीशन में हमारी इज्जत रख लेना। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं भाभी माँ, वो टेंशन हो रही है, नैतिक भी ना। अब खैर छोड़िए, वो सब मैं संभाल लूंगी। मम्मा, पापा, आप यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से ऊपर जाओ, आपको रिहर्सल नहीं करनी, कल कंपटीशन है, आपको जीतना है ना? हाँ बेटा करती हूँ। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, अपना डांस, जैज, सब कुछ। अभी चलो ना मम्मा। हाँ बेटा अभी चलती हूँ। और माँ आप भी कुछ कह रही थी ना? ना बहू कुछ नहीं, तू जा। अच्छा ठीक। बड़ी दादी, अब दादी से बोलो कि वो मम्मा को ड्रेस के बारे में कुछ ना बोले, तो फिर मम्मा दादी की बात मान लेगी और वो साल्सा वाला ड्रेस नहीं पहनेगी। और अगर हम ड्रेस की वजह से कंपटीशन हार गए ना, तो मैं दादी से कभी बात नहीं करूंगा। ओके
देखा आपने भाभी माँ, एक तो बाप दूसरा बेटा, दोनों ही हाथ से निकले जा रहे। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।